पहले मेरे को सुबह उठते ही बहुत भूख लगती है, खुराक अब भी उतनी है पर अब भूख नहीं लगती, अब मैंने कंट्रोल कर लिया उसको। मतलब इतनी भूख लगती थी सुबह उठते ही। और तुम्हारी तो सुबह अगर 4 बजे भी आँख खुल जाती थी तो भी तुम कहते थे कुछ है तो देख। पर अब भूख लगती ना तो अब मैं उसको कंट्रोल कर लेता। पिछले ये 3 या 4 साल हुए जब से ट्रैवलिंग शुरू करी है। उससे पहले जब मैं वो था पानी का प्लांट लगाया था, तुझे याद है प्लांट पे अगर खाना लेट हो जाए, उन दिनों की जब बात है, तो भूख लगने पे अगर खाना नहीं मिला तो हाथ कांपने लगते थे, माथे पे पसीना आ जाता था। तो मुझे एक दो लोगों ने बोला अरे ये तो बीपी लो हो रहा है। मैंने कहा यार ये तो बुड्ढो शुड्ढो वाली बीमारी है, मुझे कैसे हो सकती। मतलब मैंने कभी बीमारी को कभी भी जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैंने माना ही नहीं। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। फिर कितना 20 साल से 30 साल की उम्र तक सिगरेट भी, उसके बाद ये बीपी क्या होता है मालूम नहीं, जबकि लक्षण वही है, मुझे मालूम है ये किसको कह रहे हैं। पर मैंने कहा ये तो पार्ट है ना, बॉडी रिएक्ट करती है, बात खत्म का नहीं। उसको मैंने सिंपथी गेम नहीं खेला कि मेरे को बीपी हो गई, मेरे को ये हो गया वो गया। याद है वो यशोदा हॉस्पिटल जब वो मेरे को थायराइड हो गया था, थायराइड मतलब क्रिटिकल सर्वाइकल बोला हम लोग, वो डॉक्टर ने क्या बोला कि भी 3-4 महीने बेड पे रहेंगे। हम हॉस्पिटल गए तो उन्होंने पहले व्हील चेयर ले आया। मैंने कहा अरे गर्दन में दर्द है यार, व्हील चेयर में चल के जा। नहीं नहीं सर हमारा रूल है आप ना व्हील चेयर पे बैठो। क्यों? वो बेटा उन्होंने फील कराना है कि तुम्हारी हालत खराब है, तुम्हारी बैंड बच चुकी है, तुम्हें वो डराएंगे कि वो तुम भाई बहुत व्हील चेयर पे, ताकि ना तुम अंदर से ना गिव अप कर दो और सिंपथी बेचारे डर जाओ। फिर इलाज के नाम पे तुम पैसा खर्च करो, फिर रिश्तेदार आए तुम्हें देखने केले सेब संतरे लेके, ये पूरी उनकी स्ट्रेटेजी होती है माइंड गेम है। पर उन्हें नहीं मालूम कि उन्होंने किसको बिठा रहे हैं। तो मैं बैठा नहीं, या बैठा था शायद, बैठ के तो गए बैठे। उन्होंने बोला हमारा रूल है। मैं कहा ठीक है अभी बैठ दे, हमें तो झूले मिल रहे हैं। वो डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर ने देखा कह रहा अच्छा। फिर डॉक्टर ने क्या एक्सरे करवाया पहले तो एक एक्सरे करवाया, उसने दिखाया कि देखो ये गर्दन की हड्डी ऐसे बढ़ गई है, ये है वो है, आपका एक MRI स्कैन होगा है ना। फिर वो हमने करवाया, फिर वो आया जी अरे आपको तो क्रिटिकल सर्वाइकल है। मैंने कहा अच्छा। फिर वो बोला कि तेरे मम्मी को लगा रहे सर्वाइकल नाम सुनते ही ऐसे लगता है ना सर्वाइकल तो हो गया कि लंबा काम सर्वाइकल है, गर्दन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, सर्वाइकल है, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया। तो वो डॉक्टर ने बोला क्रिटिकल सर्वाइकल, नीचे रिपोर्ट में लिखा हुआ है क्रिटिकल सर्वाइकल। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा फिर कह रहे ये अभी एक दो और एक्सरे होंगे, वो भी एक्सरे महंगा था, और फिर ये होगा और क्यों करवाने कि और ढंग से बारीकी से, अरे बिल बनाना होता है। वो डॉक्टरों को ये बोला जाता है कि जो भी कोई आए ना उसको उधेड़ देना पूरी तरह, इतना खाली कर देना कि उसके घर के बर्तन तक बिक जाए। इसीलिए बोलता हूँ जिंदगी में डॉक्टर और टीचर की कभी भी रिस्पेक्ट मत करना, ये क्योंकि ये सबसे नोबल प्रोफेशन है। और इसके साथ जब कोई चीटिंग करता है, देखो कोई आदमी बिजनेस में 10 रुपये का नमकीन 20 का बेच रहा है 50 का बेच रहा है, कोई नफरत वाली बात नहीं है, वो उसकी कला है, वो उसका लालच है, जो भी है। आप नोबल प्रोफेशन के अंदर आ करके, टीचर नोबल प्रोफेशन है, डॉक्टर नोबल प्रोफेशन है, उसमें आप पैसों के लिए अगर काम करो तो ये बहुत गिरी हुई बात होती है। तो नोबल प्रोफेशन में नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इन दोनों को कभी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। इनमें कुछ लोग अच्छे हैं वो इनके चक्कर में बदनाम होते हैं। तो उसने बोला कि 6 महीने का, मैं क्या कितने देर का ड्रामा हुआ ये, कह रहे 6 महीने लगेंगे। अच्छा तो मैंने कहा कल आता हूँ जी, वो एक्सरे वैक्सरे करवाने फिर ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ। हमने जाके वो कॉलर खरीदा, वो गले में जो अभी भी है ना मेरे पास, जो गले में कॉलर वो लगा। अब मैंने दिन भर दिमाग दौड़ाया, मैंने कहा यार ये क्या है, ये कैसे हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। दिमाग में एक क्लिक करना था, काफ़ी देर सोचता रहा, मुझे मालूम नहीं कई घंटों या शायद 1-2 दिन मैंने सोचा। लास्ट में दिमाग में एक बात क्लिक करी कि मैं टीवी बहुत देखता हूँ। हमने नया नया वो स्मार्ट टीवी खरीदा था, नहीं टीवी तो हमने अपने आई कॉन्टेक्ट के हिसाब से लगाया हुआ था। टीवी था किचन वाली वॉल पे, और मैं इस वाले सोफे पे सबसे ज्यादा बैठता था, जो घोड़ों वाली सीनरी लगी थी उसके नीचे जो था ना, मैं वहां बैठता था हमेशा। तो मैं ऐसे बैठ के, टीवी यहाँ है और मैं ऐसे बैठा हूँ, तो मैं ऐसे देखता था। और टीवी जब आदमी देखता तो घंटों देखता था। उस समय मालूम है कि हम लोग खाना भी साथ में नहीं खाते थे, तुम लोग खाना खाते थे अंदर वाले कमरे अपने कमरे में टीवी देखते हुए, डोरेमोन वगैरह देखते हुए खाना खाते थे। मैं यहाँ पे न्यूज डिस्कवरी या कोई मूवी देख रहा हूँ और वो ये सोचता की बात गर्दन ऐसे रहती, और सारा दिन गर्दन ऐसे रहते थे। मैंने कहा यार ये तो पोस्चर गलत होने की वजह से हो गया। फिर मैंने क्या किया, इमीडिएटली मैंने सामने बैठ करके टीवी देखना शुरू किया। और एक वो अंकल आते थे ना जो थोड़ा सा गर्दन की मसाज करते गए थे,
चार पांच बार बुलाया था हमने, एक्यूप्रेशर वाले थे क्या थे जो सुइया सी, वो नहीं पंचर तो सुइया जो, मतलब वो जो लकड़ी घुसेड़ देते थे या चीखे निकलती थी मेरी, वो हाँ वो ऐसे पॉइंट दबाना होता है, उनको हमने एक दो बार बुलाया था, वो भी किसी के कहने पे बुला लिया था। संदीप को तो हमने एक बार करवाया था, वो जितेंद्र के कहने पे हमने बुलाया था, उनको 500 रुपए लेते थे वो एक बार के, एक विजिट के। उससे हुआ कुछ नहीं करते क्या एक्चुअली में देख, अरे वो कुछ नहीं बेटा, पॉइंट होते बॉडी में, उनको दबाने से ना वो, उनका ये मानना होता है एक्यूप्रेशर वालों का कि पॉइंट है कुछ बॉडी में, उनको दबाएंगे तो उस प्रेशर देंगे तो वो ठीक होगा। एक होते हैं एक्यूपंचर, पंचर वाले, पंचर बोलते ना सुई चुबा के होल करना, पंच करना, तो वो क्या करते हैं वो एक्यूपंचर वाले कहते हैं कुछ पॉइंट्स उनको पंचर करने पे आप ठीक होते हो, ये अपनी अपनी पद्धति है। योगा वाले कहते हैं हम सारी बीमारियां कैंसर वैंसर सब योगा से ठीक कर देते हैं, वो नाड़ी वैद्य क्या बोलते हैं सारी बीमारियां नाड़ी से। चक्र वाले बोलते हैं आपके चक्र बिगड़े हुए, मूलाधार चक्र बिगड़ा, फलाना चक्र बिगड़ा, ये हमारे यहाँ एक सिस्टम चलता है। तो वो क्रिएट मतलब वो ऐसे लगा कि जैसे उनकी हो क्या रहा था, मैं ऐसे बैठ के घंटों टीवी देखता था, पोस्चर गलत था, मैंने पोस्चर ठीक किया, कहाँ गया सर्वाइकल, क्रिटिकल सर्वाइकल कहाँ गया, घर में बैठे बैठे 15 दिन के अंदर मैं ठीक हो गया, 15 दिन में। तो डॉक्टर के पास गए थे आप अगले? मैं जाता तो फिर डॉक्टर को, तो फिर मैं उसको डॉक्टरी छोड़नी पड़ती, इसलिए मैं गया नहीं उसके पास। क्योंकि आपकी लड़ाई इंडिविजुअल के साथ नहीं है ना, आपकी किसी एक डॉक्टर से लड़ाई नहीं है ना, वो तो अपना काम कर रहा है। अब वो करप्ट है तो वो करप्ट किसने बनाया, भौतिकतावादी होना किसने बनाया उसको, उसके टीचर ने, गरेबान पकड़ना चाहिए उस डॉक्टर का नहीं, गरेबान पकड़ना चाहिए उस टीचर का जो एक अच्छा डॉक्टर, जो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बना पाया, गरेबान पकड़ना चाहिए उस माँ बाप का जो अपने बच्चों को ईमानदारी नहीं सिखा पाया। आज मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ कि अगर तुम्हें अपने दोस्त, तुम्हारे दोस्त का जीतना जरूरी है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे ज़्यादा तुम्हारे दोस्त का जीतना जरूरी है, तो तुम हार जाना उसको जिताने के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि फर्स्ट आने पर उसकी ज़िंदगी बन जाएगी या नहीं आया वो फर्स्ट और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम फर्स्ट आ सकते हो, तो तुम उसको फर्स्ट आने देना। यही सिखाता हूँ मैं तुम्हें, किसी भी चीज़ को लालच मत करना, किंग बनने की कोशिश मत करना, किंग मेकर भी बन सकते हो तुम, उसमें एक अलग खुशी होती है। मैं अपनी लाइफ में कभी किंग नहीं बनता, मैं हमेशा किंग मेकर। मुझे जब कोई मुझे लिखता है ना कि यार आपकी वजह से हमने जुआ छोड़ दिया, सोचो क्या खुशी होती होगी। जब कोई बोलता है ना कि यार आपकी वजह से हमने आज इतना विन किया, कितनी खुशी होती होगी। जब कोई बोलता है कि आपकी वजह से हमारे लॉस रुक गए, जब कोई बोलता है आपकी वजह से जीवन में टर्निंग पॉइंट आ गया। आज भी 8 से 10 लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि 8 से 10 नहीं ज़्यादा बोलते, 4-5 लोग ऐसे जो बोलते हैं कि हमारा जो मकान है वो आपकी वजह से, 4-5 लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर आपने हमें बिजनेस सजेस्ट नहीं किया होता तो आज हम इतने फाइनेंशियल रिच नहीं होते। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे पहले से जानते हैं, इसलिए ईगो की वजह से बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि भाई वो पहले से जानते हैं तो वो दोस्त है तो वो बोल नहीं रहे, पर मानते वो भी हैं, इसीलिए तो छोड़ नहीं पा रहे, इसीलिए तुम्हें कॉन्टेक्ट करते हैं, समझी बात। तो जीवन में तो ये डॉक्टर गलत बना है तो डॉक्टर को मत पकड़ो, जिस सिस्टम ने इसको करप्ट डॉक्टर बनाया उसको पकड़ो। तो वो कौन है, सोसाइटी है, वो पेरेंट्स है, वो टीचर है, सबसे पहले माँ बाप और दूसरे नंबर पर टीचर। इनकी जगह यहाँ नहीं है, ऐसे माँ बाप और टीचर की जगह चौथ चौथ स्क्वायर पे है। नाम समझ लेना, सऊदी में एक चौप चौप स्क्वायर है, वहाँ पे फिर वो चौप चौप कर देते हैं जो लोग समाज को दिक्कत देते हैं ना, चौप करना होता है ना, काटना काटना टुकड़े करना। सच्ची में लोग पहले होता होगा, अभी का मालूम नहीं, क्योंकि ये नोबल प्रोफेशन है ना। कोई आदमी अपनी ज़िंदगी आपके हाथ में दे रहा है और आप उसमें से पैसा कमा रहे हो, ये गलत है। ऐसे टीचर के हाथ में, टीचर टीचर नहीं है, टीचर 50,000 रुपये कमाने वाला, 40,000 कमाने वाला टीचर नहीं है। टीचर एक मूर्तिकार है, एक शेप दे रहा है वो बच्चों को। अब वो शेप ही बच्चों को डरपोक बनाने की दे रहा है, भ्रष्ट बनाने की दे रहा है। क्या बोलती है टीचर, पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे जीवन में, कामयाब कैसे होगे। टीचर से पूछो कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कामयाबी, वो बोलेगी पैसा, वो बोलेगी कार, वो बोलेगी बंगला, अच्छी नौकरी, अच्छा बैंक बैलेंस, ये है कामयाबी की परिभाषा। उससे पूछो फिर ईमानदारी कहाँ है, उदारता कहाँ है, सेक्रीफाइस कहाँ है, किसी दूसरे को जितवाना, किसी दूसरे को जितवाना। अब जब जो जिसको टीचर कामयाबी बोल रही है उसमें तो आएगा कंपटीशन और कंपैरिजन। और लाओ त्ज़ु ने 2,500 साल पहले बोला था, अगर जीवन में सुख और सुकून चाहिए तो प्रतिस्पर्धा से निकल जाना, प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता, कंपटीशन और कंपैरिजन से निकल जाना, तो तुम्हारा जीवन में सुकून आ जाएगा। आज की डेट में क्या है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, अपने ही साड़ू से चिढ़ रहे हो, क्योंकि बीवी का कंपटीशन बहन के साथ है, तो उसको वो अपने दो बहनें अपने पतियों को आपस में कंपेयर करती रहती है और पतियों की जिंदगी
पति की हालत ढोलक जैसी होती है, क्रिटिकल सर्वाइकल। कह रहा 6 महीने। हम लोग अपनी वेबसाइट भी डिजाइन कर रहे थे, जब वो अर्पित और विशाल आते थे तुम्हारी गर्दन, कैसे वो मीटिंग होती थी, वो गर्दन ऐसे करके बैठा हुआ हूँ, वो बीन बैग में लेटा हुआ हूँ, उधर तुम्हारा एग्जाम था, फोटो निकालना ना, वो वीडियो मैंने बोला ना उसकी, फोटो क्लिप वगैरह निकालो। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि भी आपका अपना दिल्ली वाला घर कैसा था, ये था। वो हैरान होंगे कि यार तुम ऐसे घर में रहते हो, वैसे घर में रहते थे। ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत लग्जरी था, पर ठीक था, आपने अच्छा उसको किया था। महंगे महंगे बीन बैग थे, डाइनिंग टेबल था, कितना अरे सभी कबाड़ी कबाड़ कबाड़ी को ही तो दिया जाएगा। आने के टाइम पे हमने फ्रिज दे दिया था, मैं देखा था, मैं खेल रही थी, हिताची का 65,000 रुपए का ट्रिपल डोर फ्रिज गया था मैं लेने, 25-30,000 का फ्रिज। मम्मी ने सिर्फ एक लाइन बोली कि मैंने ना शादी से पहले ना सोचा था कि मेरे घर में ना ट्रिपल डोर का फ्रिज हो। वो ट्रिपल डोर का पूरे तो देखा है ना, लोग कई बार पूछते हैं ट्रिपल डोर कैसे होता है, वो दो ऊपर से खुलते हैं, नीचे वो होता है, वो बॉक्स इतना बड़ा था आइस बॉक्स की, उसे आदमी मार के डाल दो तो वो छुप जाए उसमें। एक बार ना तेरी मम्मी की बुआ जी आई और वो फ्रिज इतना बड़ा था, किचन में हमने रखा था, ओपन किचन थी, तो उन्होंने इसको बोला, अरे पीयूष तुमने ये अलमारी रसोई में क्यों रखी है? इसने कहा कि अलमारी नहीं है, फ्रिज है। लेकिन वो था भी ब्लैक कलर का, हाँ, था ना, ब्लैक कलर का फ्रिज कहाँ होते हैं, टच स्क्रीन वाला था ना वो बड़ा सा। तो कह रही है अलमारी तुमने किचन में क्यों रखी हुई है? मैंने कहा ये कपड़े बदल बदल के खाना बनाती है। फिर तेरे फूफा ने मजाक में बात टाल दी, नहीं नहीं देखो कि पता है मजाक कर रही है, तो मजाक कर, तेरी बुआ जी को कितनी आदत है मजाक करने की। अभी कहाँ दुश्मन ने निकालना, पहुंच गए थे वो टोनी छत पर है ना, छत पर ही है ना, मतलब अभी भी मैं फोन पे जब ज्यादा लगा रहता हूँ ना तो मेरी गर्दन में वो हो जाता है। एक्चुअली जिम ज्वाइन करना है तो सबसे पहले कहीं से कुछ हो इंतजाम, जिम ही ज्वाइन करना है, साल भर के पैसे एक साथ ही देना है, क्योंकि ये जिम वालों का भी बड़ा स्टाइल है कि मतलब अगर आप साल भर के दोगे तो सस्ते पड़ेगा, नहीं तो पर मंथ में तो बहुत महंगा पड़ता है। पर मंथ का वो मैंने पूछा था 2,000 रुपये महीना, 8,000 रुपये 6 महीने के, और एक साल का मैंने पूछा नहीं जिस गली जाना नहीं उसका उसके क्या क्या फायदा, वो भी 11-12 हज़ार रुपये ही होगा साल भर का। साल भर में तो वो कहेंगे कि भाई साहब बोलो कितने दे सकते, उनको तो क्या लगता है कि उनको लगता है कि आएगा है नहीं। मेरे को वो दिल्ली में नहीं जिम वाले ने बोला, कह रहे भाई साहब, मैंने कहा यार एक बार बताओ दिए तुम पर मंथ क्यों नहीं करते हो, कह रहा है क्या होता है लोग ना जोश में आते हैं वो रेवोल्यूशन लाते हैं अपनी ज़िंदगी में, खासतौर पर हमारा। मैं कहा सीजन कब होता है तुम्हारा, कह रहा न्यू ईयर, कह रहा न्यू ईयर में लोगों को बड़ी कीड़ा उछलता है 1 तारीख को कि इस बार नए साल से हम ये करेंगे, ये हम प्रतिज्ञा लेते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा लेते। और दूसरा सीज़न मैंने कहा एक और बताऊँ, कभी नोटिस करना एक सीज़न और होगा, मैंने कहा जब कभी किसी बड़े सुपरस्टार की स्पोर्ट्स बेस्ड मूवी आए, जैसे सुल्तान आई, जैसे दंगल आई, या जैसे वो कोई, हाँ, तो उसमें भी बड़ा जोश उछलेगा कि यार जिम जाना, बॉडी बनानी, ये करना होगा। कह रहा है ये जोश जो है ये खत्म हो जाता है, तो ये लोग अगर महीने का कर दे तो महीने का पैसा देंगे और उसका आएंगे नहीं, इसलिए हम मिनिमम 3 महीने का लेते हैं, हमें मालूम है। इसलिए कह रहा आप जैसे लोगों से फायदा थोड़ी है, आप लोग तो दिन में 2-2 बार भी आ जाते हो कई बार, और पूरे साल आते हो। पर मैंने कहा हमारे जैसे होते भी कितने, 20% 80-20 प्रिंसिपल, कुछ ही लोग थे जो रेगुलर। इसीलिए बोलता हूँ कि टीचर और डॉक्टर की रिस्पेक्ट मत करना, रिस्पेक्ट मतलब बदतमीजी नहीं करनी है, पर इनको ना हौवा नहीं मानना है। क्यों? देखो शिक्षक और अध्यापक में फर्क होता है। शिक्षक आपको शिक्षा देता है, वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो स्कूल में ही, जो आपको शिक्षा दे रहा है जीवन से जुड़ी हुई वो आपके लिए शिक्षक है, गुरु है। अध्यापक वो होता है जो आपको अध्याय पढ़ाता है, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, जो पैसे लेते हैं और वो आपको ये अध्याय पढ़ाएंगे, वो अध्यापक है, उनको आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं। अध्याय मतलब सब्जेक्ट चैप्टर, जो स्कूल में बुक्स में लेसन होते हैं, चैप्टर होते हैं वो। और अपनी हिंदी पे भी काम करो जरा, ये नहीं होना चाहिए कि 69 और एक बार मालूम क्या, हिंदी नंबर्स तो मुझे आ गए हैं, हिंदी नंबर्स भी आने चाहिए, हिंदी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए। एक बड़ा मजेदार किस्सा बताऊं मालूम क्या हुआ, हम लोग 6th में मैं पंजाब में था, 7th में हम लोग फिर दिल्ली आए, तो अब बीच में आए
तो डैडी को ने बोल मम्मी ने बोला अब इसका एडमिशन कैसे कराएंगे, तो डैडी दिन भर पिए रहते थे, उनकी जान पहचान बड़ी अच्छी थी, मतलब लोग उनसे बड़ा इंप्रेस रहते थे, भले ही ठीक है एक आदमी है शराबी है सुबह से शाम तक शराब में डूबा रहता, पर उनकी जो बातें होती थी जो मतलब वो बड़ी दमदार होती, कॉन्टैक्ट बनाते थे, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब उनके लिंक बड़े थे, देखने में ऐसे लगेंगे कि यार ये आदमी को कौन खड़ा करेगा, पर उनके लिंक बहुत थे। उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं वो कौन से स्कूल में एडमिशन कराना है, मैंने कहा जहाँ संदीप पढ़ता ना वहीं कराना है। अब संदीप मेरा बचपन का दोस्त था, तो संदीप पढ़ता था झील, झील एक जगह है कृष्णा नगर के पास लाल क्वार्टर का, तुझे मालूम है झील, झील कुरंजा, झील कुरंजा में एक स्कूल होता था, वो कड़ी चावल मिलता है। हाँ उसी के पास, बिल्कुल सही, जहाँ कड़ी चावल मिलते ना उसी के आसपास, तो वहाँ पर एक स्कूल होता था गवर्नमेंट स्कूल, उस स्कूल को मुर्दघाट स्कूल बोलते थे। हाँ क्योंकि उसके सामने ना शमशान घाट था निगम बोध, वो पुश्ते पे शमशान घाट था, शमशान घाट के सामने स्कूल होने की वजह से, सामने मतलब थोड़ा दूर होने पे, पर उसको बोलते थे मुर्दघाट स्कूल, मुर्दघाट स्कूल। मैंने वो संदीप उसमें पढ़ता था, वो कैलाश नगर के नज़दीक था वो, तो मैंने कहा उसी में ही मेरा एडमिशन कराओ। ठीक है जी, वो डैडी गए कहीं चौधरी साहब वगैरह थे कोई और उनसे जान पहचान हुई, मतलब उनकी थी, उन्होंने बोला चौधरी साहब आपके मेरे बेटे का एडमिशन कराना है, वो मुझे बोलते थे एक अंडा वो भी गंदा, तो उसको एडमिशन कराना है। तो तब मैंने एक बात सीखी थी, सोच सेवन्थ में एडमिशन होना था मेरा, मैंने डैडी को उनसे मुलाकात हुई, उनके घर गए, उनकी कोठी थी गांव के, जैसे गांव होते थे पहले ही तो सब गांव होते, तो गांव के मतलब वो पुराने जमींदार वगैरह होंगे, अब शहर बस गया झील, तो उन तो मैंने कहा हाँ मैंने कहा यार वो डैडी एक बार बताओ आपने इनसे बात करी कि बेटे का एडमिशन कराना है, उन्होंने बोला नहीं कि हाँ मैं करवा दूंगा, हाँ हो जाएगा, कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने कहा चलो देखते हैं कोशिश करते हैं। मैंने कहा ये क्या जवाब हुआ, ये बात बता रहा हूँ जब मैं समझ लें सेवन्थ में आने वाला हूँ, उन्होंने बोला बेटा जो बड़े लोग होते हैं ना वो कभी भी ना छोटे आदमियों की तरह ना ऐसे नहीं बोलते हैं, अरे मैं कर दूंगा, अरे मैं जानता हूँ, अरे मेरी जान पहचान है कैसी नहीं हो गई तो अपना बच्चा हम कर देंगे, ऐसे ठोस स्टेटमेंट नहीं देते, हवा में बात नहीं करते, वो कहते चलो देखते हैं कोशिश करते हैं, उनका ये कहना ही ये वो कहता है कि वो अपना कि वो कर देंगे 100% देंगे ये जो, और वैसे आप किसी का चले जाओ अरे वो मेरा चचा हमारा विधायक है, अरे वो मेरे को जानता है मैं करवा दूंगा मैं ये कर दूंगा, ये करते ना लोग, पर जो जेन्युइनली जो पहुंचे हुए लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो कहते हैं ठीक है देखते हैं यार कोशिश करते हैं देखो हो जाएगा शायद, वो ऐसे चलते हैं। और उन्होंने फ़ोन आया, मतलब डैडी की बात हुई, डैडी ने कहा चल तेरा वो हो गया प्रिंसिपल से मिलने जाना है, और बस खाली हम लोग दोनों गए प्रिंसिपल के रूम में यही मुर्दघाट स्कूल में, और मेरे डैडी ने वो तो हमेशा ड्रिंक क्यों रहते थे, डैडी बड़ी अरे ये बम्बई में दिल सबसे बड़े मैडम डिसल्वा के स्कूल में पढ़ा हुआ है, लिटिल फ्लावर इंग्लिश हाई स्कूल में, हाँ मैं पढ़ा था ना लिटिल फ्लावर, वो फोटो नहीं देखी क्या मेरी, वो जो फोटो है बहुत सारे बच्चों के साथ, तो और तू ये सच में क्यों बोलती है कि तुझे क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मालूम नहीं पापा क्यों, वो फोटो नहीं देखी तूने कि वो मैं बीच में कोने में छोटा सा बैठा हूँ, वो टीचर बीच बैठी है घर पे भी थी, मालूम नहीं याद नहीं, ऐसे बोलिए सच में, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ नहीं मतलब पापा बड़ी बातें ना कर रहे हो ये पूछ रहे हो। तो डैडी ने बोला ये मैडम डिसल्वा के स्कूल में पढ़ा हुआ है, वो बॉम्बे की सबसे बड़ी वो मतलब वो मिनिस्टर की सिस्टर थी शायद ऐसा कुछ था, तो लिटिल फ्लावर हाई इंग्लिश हाई स्कूल, इंग्लिश मीडियम पढ़ा, इंग्लिश तो ऐसे बोलता वैसे बोलता, मेरी टांगे कांप रही ये कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इंग्लिश ऐसे बोलता है, इंग्लिश में तो ये ऐसे वैसे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई थी, पी रखी है हवाबाजी दिल्ली के ऊपर से पी रखी है, तो हवाबाजी तो खून में होती है, अरे ये तो इंग्लिश में ये और वो है फलाने फलाने। टीचर ने सुनते से ही प्रिंसिपल ने कहा अच्छा ठीक है, प्रिंसिपल अपना काम कर रहा है भाई ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल है सिफारिश आई है ठीक है, नहीं नहीं आप पूछ लो कुछ भी पूछ लो अब मैं कह रहा हूँ क्यों भाई साहब मुझे फंसा रहे हो। प्रिंसिपल ने एक ही बात पूछी 69 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 69 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंने कहा 79, डैडी ने कहा पागल है 89 बोलते हैं, और प्रिंसिपल ने कहा आपका एडमिशन हो गया जाओ देखो बाप बेटे जाओ। आपने सही बोला था नहीं 69 69 होता 69, उन्होंने पूछा 69 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली में ना 69 79 में इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऊपर से मेरी हालत ऐसी कर रखी है और हो सकता है शायद मुझे सच में भी ना आता हो, तो उन्होंने बोला अच्छा 69 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंने कहा 79, डैडी ने तभी टोका 79 89 होता है, उसने कहा आपका एडमिशन हो गया बच्चे का जाओ जी जाओ। बड़ा मजेदार स्कूल था,
वो स्कूल ऐसा था, सरकारी स्कूलों में ना ये जेल की तरह नहीं माहौल होता है, रिसेस में आप बाहर नहीं जा सकते। तो जब रिसेस होती थी, आधी छुट्टी जिसको बोलते हैं, आधी छुट्टी जब होती थी तो डीटीसी की बस में बच्चे चढ़ जाते थे, दो स्टॉप पर कैलाश नगर आ रहे उतर रहे थे, घर से खाना खा के वापस आ जाते थे। ज्यादा लंबा था वो पीरियड, नहीं आधा घंटा, अरे गए दो स्टॉप के आगे था, उस समय इतने ट्रैफिक नहीं होते थे, और थोड़ा लेट भी आ गए तो कौन सा कोई एमबीबीएस की पढ़ाई छूट रही है। यहाँ पे तो जो लंच ब्रेक होता है, एक तो 10-15 मिनट तो खाना लेने में ही टाइम निकल जाता है, उसके बाद 10-15 मिनट बचे तो उसमें ही काम है। कभी स्कूल में छुप छुप के खाना खाना, पीरियड चलते टाइम के दौरान जब क्लास चल रही है और बैग से निकाल निकल के खाना खाना, बड़ा मजा आता है, मैंने बहुत खाया। क्लास चल रही है नीचे मुंह करके, रिसेस आने तक तो हमारी खाना खत्म हो चुका था, खाना खत्म हो जाता था, फिर जिनका है फिर उनसे मांग के खाते थे। हमने तो टिफिन लोगों के खोल खोल के खाए खाना, जैसे नीचे कोई पीटी की क्लास चल रही है, हम लोग आ गए ऊपर, अब ऊपर आके जी क्या करें, मैं होता था, अमजद होता था, क्या करें, खाना चेक कर रहे सबका, तो कहते थे कि यार पूरा नहीं खत्म करना नहीं तो शिकायत लगा देगा, कम खाना है। तो जैसे कोई तीन पराठे लाया तो एक पराठा या डेढ़ पराठा खा लेना है, मतलब पूरा खत्म करेंगे तो क्या बोलेगा, मेरा खाना सारा खा गए। हाँ। और वैसे क्या वो शिकायत लगाएगा कि मेरा खाना थोड़ा सा खाया है, ये फर्क पड़ेगा। तो हम लोग पूरा खाना नहीं खत्म करते थे, अरे कईयों का खाना बड़ा टेस्टी होता था, कोई अमीर बच्चे होते थे उनका तो खाना ही घर से बढ़िया सा आता था। अमजद लाता था पराठे, दो पराठे नीचे, दो पराठे ऊपर, उसके बीच में आम का अचार और वो मसाला सौंफ वाला डाल के, और ऐसे करके उसको अखबार में लपेट के लाता, जब उसको खोलता था तो पराठा पूरा तेल में सना होता था, वो बहुत अच्छा लगता था। हम लोग उसके लिए लड़ते थे कि ये पराठे का रोल करके खाना है, जो तेल ऊपर वाला नहीं, जो नीचे के बीच के है। सही में उसमें पराठा चावे से दी जाते थे, आज इनके तो खाए नहीं जाइए, कभी कभी देखिए। इस कीड़े को पहचान लो, ये जो कीड़ा है ना, अगर तूने कभी इसको टच किया या ये कीड़ा तेरे पैर वैर पे चढ़ा तो वैसे तो चुपचाप चले जाएगा। देख छिपकली का बच्चा भी, ये इस कपड़े में से गिरे, अभी कपड़ा हटाया ना, अबे नाक जला लेगा। ये कीड़े को अगर तुमने टच किया ना तो ये अपने आप को बचाने के लिए एक गैस छोड़ता है या क्या छोड़ता है, वो जल जाओगे तुम वहाँ पे, काफ़ी देर तक जलन बचेगी। देखिए मिली माइक से खेल रहा है अभी, कुछ दिन तक तो चोट के वजह से चुपचाप बैठी हुई थी और चोट हल्की नहीं थी कोई, तो फिर खेलने लग गई। इस कीड़े ने मेरे को बचपन में बहुत जलाया, जब हम लोग वहाँ मुंबई में झोपड़ी में रहते थे ना, झोपड़ी पहाड़ के ऊपर। टॉनी इधर आओ, ये ले लो जहरी लो। तो वहाँ पर बारिशों में मिट्टी, ये कीड़े तुम्हें कहाँ देखने को मिलेंगे, ऐसी जगहों पे तो देखने को मिलेंगे, ये फ्लैटों में थोड़ी तुम्हें देखने को मिलेंगे, यहाँ कच्ची मिट्टी है, बारिश है, पेड़ पौधे हैं। टॉनी लो ये ले। कितने तो फ्रॉग ही देखे यहाँ पर, ये तो सुंदर सुंदर अलग अलग, कितने बड़े बड़े फ्रॉग है। कल रात को 2 बजे में था यहाँ पे बाहर खड़ा, इतना अच्छा कीड़ा था, बड़ा खूबसूरत, मैं समझा यही वाला है। अच्छा और वो कोई और था। ये लो टॉनी, ये ले। आ गए ना सीओ के घर पे टॉनी, मैंने इतनी प्यारी वो देखी ड्रैगन फ्लाई, जिसके पंख जो थे सबसे पहले काले थे, फिर तो उसके बाद वाइट रंग आ गया और उसके बाद क्लियर, थोड़ा कोई रंग नहीं था, इतनी प्यारी थी। क्या थी? बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई क्या होता है? वो हेलीकॉप्टर जिसको बोलते हैं, हेलीकॉप्टर जैसा दिखता है। हाँ, वो भी हम बारिशों में आता है। हाँ। उसके पंख जो थे उसमें 3 कलर थे, पहला ब्लैक था, फिर वाइट था और फिर क्लियर था, प्यारा लग रहा था। ऊपर आना, इधर उधर से क्या कर रहा है? ये मैंने ऐसी टेम्परेरी ऊपर की है, इसको बांधा नहीं है, ये लकड़ी फंसाई है, जैसी बारिश आएगी इसको वापस नीचे कर देना। हाँ, तो ध्यान से करना, गमले ना गिरे। ये कपड़ा नहीं होता ना, ये पूरा गीला पड़ा रहता, पता है कपड़ा खुलने से पहले पूरा गीला रहता था। बहुत फायदा हो गया इससे, हम सोचे थे खुला रखेंगे बारिश होगा, एकदम 4-5 दिन से बारिश गायब ही हो गई। अब तुम्हारी हर वीडियो में डोडो भी साउंड आते हैं, बिना वीडियो डोडो के तो वीडियो नहीं बनती।
वो तो सही कह रही है कि अपने आप को सोचता है कि मैं टॉनी जेरी जैसा ही हूं। हां वो वैसे भी है पर देखो क्या है, टॉनी से काट लिया ना सुधर जाएगा तू। ये उसके ज्यादा अच्छे थे जो तू यहां से लाई थी बेकरी से। हां वो मैं आंटी के चक्कर में ले आई, ये सही नहीं है वो आने से, वो फ्रेश थे वो बताने दे थे, वो अपने पुराने स्टाइल से बनाते हैं हर मंडे और संडे। अच्छा भट्टी से बनाते हैं, इलेक्ट्रिक वो नहीं है, वो एकदम तंदूर में बनाते हैं। तो क्या खारी इन सब के मुकाबले सबसे ज़्यादा टेस्टी होती है, हम सबको पसंद भी है। दूसरा खारी ऐसे इस इनके मुकाबले मेरे ख्याल से थोड़ी महंगी भी है। महंगी है ना, कितने की, 60 रुपये की, 250 ग्राम, 250 ग्राम, ये 40 के। हाँ और वो क्या होता है, वो थोड़े में ज़्यादा लगती है पर खाओ तो वो फटाफट खत्म हो जाती है, ये एक पंगा है। अभी ये इतने से रस के 2-3 पैकेट है पर कई दिन चलेंगे। हाँ। इतने से खारी के पैकेट होंगे वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। वो एक्चुअली नमकीन होता है ना, तो बच्चे बैठे बैठे बिस्किट की तरह से खाने लग जाते। खारी ना फीकी होती तो फीकी है, पर खारी में क्या होता है वो आप वैसे भी खा लेते हो वही तो। दूसरा उसमें खारी में भी एक बटर खारी आती है, एक तो होती है नॉर्मल खारी, एक बटर खारी होती है। मैं जब कभी बॉम्बे जाता था ना तो मैं लेके नहीं आता था क्या? हाँ वो पाव की तरह शेल गोल, वो तो बटर है। अच्छा वो चाय में डालते हैं कटोरी के अंदर। हाँ हाँ और उसमें गरम गरम खोलती चाय डालो और उसमें वो डालो तो वो फूल के डबल ट्रिपल साइज का होता है। हाँ उसको तो बटर बोलते हैं। अच्छा एक बटर खारी मतलब ये वाला बटर। अच्छा देखो उसके डोडो से छीने जा रहे टोनी, मतलब ये खारी में बटर होगा। हाँ मतलब वो खारी को इधर आ जाए ना पहले, खारी को करते टाइम वो बटर लगा देते हैं। दो बटर का फ्लेवर और आ जाता है तो बढ़िया लगती है। फ्लेवर नहीं आता है वो, उससे वो खारी के सिकने में ना थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। वो उसको भौंक रहा है डोडो को कि तू क्यों खा रहा है टॉनी। ये तो बेकार स्वाद है, रस ले लो और है भी। नहीं बस और नहीं लेना, मैं पन्नी हटा के आई, मैंने कुछ बहुत खड़बड़ कर करके सामने आती हूँ। उसकी नजर यही पे है टेबल पे टोरो की, तेरी बेचारे की कलकी गिर गई एक तरफ है ना ऐसे। खुद देखने में होती है प्रॉब्लम, पीछे देखना होता है तो पीछे से देखते हैं इसको ना। वो डॉक्टर टेप लानी है यार, वो डॉक्टर टेप ला करके ना इसके एक बार टेप लगा के देखो, क्या पता खड़ी हो जाए, नहीं तो किसी डॉक्टर को दिखाएंगे। लगाने देगा ये? वो तो मैं पकड़ के लगा दूंगा, काटे गई तो उसी ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकते हैं, काट ही सकते हैं और क्या कर लेगा, काट लेगा क्या होगा, ऐसे ना दो से काट लेगा बस थोड़ा बहुत खून निकलेगा। नहीं किसी डॉक्टर को दिखाएंगे, अगर डॉक्टर कहेगा कि भी जो इसके मुर्गों के डॉक्टर होते हैं अगर वो कहेगा कि इसकी कल की काटे तो भाई तू कर ले जो करना, हमसे नहीं होगा, वो काटेगा अपने हिसाब से सुन करके प्रॉपर ढंग से। हालांकि कई लोगों ने सजेशन दिया कि इसकी कलकी को आप ना काट दो आधा इंच से ऊपर, मगर हम ऐसे थोड़ी काटेंगे, डॉक्टर को बताएंगे डॉक्टर अपने तरीके से करेगा। याद है टोनी को इंजेक्शन देने लगे थे घर में, वो तो सीन ही कमाल, अगर वो रिकॉर्ड हो जाता मजा आ जाता। ये ऊपर रेड कलर का क्यों आ रहा है, पहले तो नहीं आ रहा था, चेक करना पड़ेगा, कुछ नया ऑप्शन क्लिक हो गया होगा, रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ टाइमिंग दिखा रहे यार, जब टॉनी के बाप ने डॉक्टर टेप लगाई थी तो ऐसे हो गया था, और डैडी की लगाई थी तो फिर वो नर्स बन गया था। डैडी के कान टूटे रहने अच्छे लगते नहीं, ऐसे ही अच्छा लगता, जो जिसके कान होते ना वो ऐसे ठीक लगते। टॉनी के कान लटके हुए हैं, इसके कान ऐसे खड़े हैं। ये इनको भी नहीं अच्छा लगा, ये भी नहीं खाते। चलो आज की चाय की सभा बर्खास्त। हाँ।